हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपके बालों की जड़ें एकदम से बेजान हो गई है और आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहने लग गया है, जिससे आपके बालों में हमेशा के लिए खुजली रहती है, आपके बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रहे हैं और आपकी हेयर ग्रोथ दिन प्रतिदिन बिल्कुल ही कम होती जा रही है और वो बढ़ने का नाम तो बिल्कुल भी नहीं ले रही है, तो आज मैं आपको जो एक नुस्खा बताऊंगी, इस नुस्खे में फ्रेंड्स आपको अपने शैम्पू के अंदर दो ऐसी चीज़ों को ऐड करना होगा जो आपके बालों की जड़ों को मजबूती देगा, आपके बालों की जड़ों का पोषण देगा, जिससे आपके बालों की हेयर ग्रोथ तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आपको एक शैम्पू लेना है। जिस भी कंपनी के आप शैम्पू को यूज़ करते हैं, जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं, आप उसे ले सकते हैं। आपको ज़रूर नहीं है कि यही शैम्पू यूज करना है। और दूसरा, अगर आप गर्ल्स हैं, आप अपने बालों में दो शैम्पू यूज करती हैं, तो दो शैम्पू भी आप ले सकती हैं। आपको सबसे पहले शैम्पू लेना है और इसके बाद आप इस शैम्पू को इस बाउल में निकाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पे पूरे शैम्पू को इस बाउल में निकाल लिया है। शैम्पू को लेने के बाद अब आपको इसमें ऐड करना होगा मिल्क। आपको फ्रेंड्स रो मिल्क लेना है। रो मिल्क फ्रेंड्स हमारे बालों की जड़ों पे जब लगेगा तो वो उन्हें रिपेयर करने का कार्य करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बालों की जड़ों में कीड़ा लग जाता है, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ नहीं बढ़ पाती है और हमारा सर गंजा होने लग जाता है। तो अगर आपको इस तरह की समस्या है, आपको फ्रेंड्स इसमें मात्र 2 से 3 चम्मच दूध ही ऐड करना होगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप इसमें 3 चम्मच दूध ऐड कर लीजिएगा। अगर आप बॉयज हैं तो आप इसमें 2 चम्मच मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करनी होगी, वो है फ्रेंड्स विटामिनी कैप्सूल। आपको फ्रेंड्स एक इवॉन कंपनी का 400 mg का विटामिनी कैप्सूल इसमें ऐड करना होगा। अगर आपके पास विटामिनी कैप्सूल नहीं है तो फ्रेंड्स जिस तरह से रोज़ वाटर आपके फेस के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, उसी तरह से हमारी सर की स्किन के लिए आप इसमें 1 चम्मच रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको विटामिन ई कैप्सूल के एक कोने से कट करके इसके ऑयल को इसमें ऐड कर देना होगा। इस तरह से ऑयल को ऐड करने के बाद फ्रेंड्स आप अपने शैम्पू को अच्छे से मिक्स कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स ये सभी चीज़ें कैसे अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। जब ये फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो आपको इसे अपने बालों में लगाना होगा। आपको इसे अपने बालों में लगाना कैसे है, जिस तरह से आप अपने बालों में शैम्पू करते हैं उसी तरह से हल्के हाथों से अपने बालों को अच्छे से वॉश कीजिए, अपने बालों की जड़ों को अच्छे से वॉश कीजिए, ताकि आपके बालों की जो स्किन है जो बेजान हो गई है उन्हें पोषण मिल सके। बालों की जड़ों में इसे अच्छे से लगाइए, मसाज कीजिए बहुत ही हल्के हाथों से और बालों को भी अच्छे से, पूरे बालों में शैम्पू को अच्छे से लगाइए और वॉश कीजिएगा। ऐसा करने से हमारे बालों में उलझनें नहीं आएंगी और हमारे बालों में जो मैल है, डर्ट पॉल्यूशन हमारे बालों के अंदर गया हुआ है, बालों की जड़ों के अंदर जो समाया हुआ है वो भी बाहर तेजी से निकल आएगा। तो आप अपने बालों की जड़ों में से लगाइए, अच्छे से मसाज कीजिए और अपने बालों को वॉश कर लीजिएगा। इस नुस्खे का यूज़ वीक में एक बार लगातार 1 मंथ तक आपको करना होगा और 1 मंथ में देखिए कैसे आपके बालों की रुकी हुई हेयर ग्रोथ तेज़ी से बढ़नी शुरू हो गई है। आपके बाल जो उलझते थे, आपके बाल जो बेजान दिखाई देते थे, वो भी समस्याएं कैसे दूर हो गई हैं और आपके बाल एकदम से हेल्दी हो गए हैं। तो आप इस नुस्खे का यूज़ कीजिए, अपने बालों को तेज़ी से लंबा काला घना बनाइए। तो ये था आज का मेरा नुस्खा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। धन्यवाद।